हम देंगे अमित शाह के लड़के को 48 लाख रुपए, उसको गोली मरवाओ, बॉर्डर पे भेजो, 48 लाख में हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं। मोदी जी ये बोल रहे कि हम रशिया से पुलिस लेके आए कि 4 साल की है, नीदरलैंड से लेके आओ ना, 2 साल के लिए प्रधानमंत्री चुनो ना अपने आप को भी। किसान दिल्ली के अंदर नहीं झुके हैं, बालक तो हम भी उनके हैं, झुकने वाले हम भी नहीं है, और इस बार आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगी जी। हम है ना 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम है ना बोल रहे थे कि कोविड के कारण है ना 2 साल का इज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन उसके बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 23 बिना छोड़ के उसको 21 कर दिया, ठीक है। एक बंदा 18 साल का 12वीं कर है मैडम, है 2 साल 3 साल उसने तैयारी करने में लाग जा है, जो उन बंदा का क्या होगा जो 2 साल कोविड में 3 साल उनके बीत गए, इनके 2 साल उम्र भी कम कर दिया आर्मी कलर की, उनका क्या होगा, जिन बालका का एयरफोर्स इनरोलमेंट आ लिया था, जिनने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, टेस्ट क्लियर कराया, ठीक है, वे आखिरी टाइम पाक उनकी लिस्ट जारी नहीं करी, उनका क्या होगा मैडम। ये सब है ना सरकार के बहाने बनाने की बातें हैं, और सब देश सेवक हैं, ठीक है, आप मीडिया के कर्मी हो, आप भी देश सेवक हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने परिवार की सिक्योरिटी सब देख के चलते हैं, ठीक है। किसी का माँ बाप है ना 21,000 के लिए अपने बच्चे को बॉर्डर पर गोली खाने के लिए नहीं भेजेगा, ठीक है, और बोलते हैं हम 48 लाख रुपये दे देंगे, हम देंगे अमित शाह के लड़के को 48 लाख रुपये, उसको गोली मरवाओ, बॉर्डर पर भेजो, 48 लाख में हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं क्या, ये ऐसे नहीं होता मैम। ये बजट की बात कर रहे हैं, बजट की बात डिफेंस पे क्यों कर रहे हैं, पैरामिलिट्री पे क्यों कर रहे हैं, MPMLA पे नहीं कर रहे, 5 साल के लिए रह रहे हैं, बाद में क्या जरूरत है पेंशन की उनको, मेन मुद्दा तो ये है ना, जो 17-18 साल बच्चा जॉब कर रहा है आर्मी का, एक सोल्जर जॉब कर रहा है, उसको जरूरत है, घर से बाहर बैठा है 4,000-5,000 किलोमीटर, उसके परिवार को सामने वाला कोई नहीं है, पेंशन की जरूरत उसी है, MPMLA को किस चीज़ की जरूरत है। और आप सदनवीर कहेंगे अगर उन्होंने पेंशन छोड़ दी, क्या जी आप MPMLA को सदनवीर कहेंगे अगर उन्होंने अपनी पेंशन छोड़ी? हाँ बिल्कुल कहेंगे जी, छोटे अभी छोटे मान जाएंगे हम, मेन बात यह है मैडम, इस बार आंदोलन है, इस बार मैडम बात ये है, हमें किसान के बालक है, किसान दिल्ली के अंदर नहीं झुके, बालक तो हम भी उनके हैं, झुकने वाले हम भी नहीं है, और इस बार आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगी जी, क्रांति आंदोलन होगा, आंदोलन तो बहुत छोटा रह गया सिस्टम, अब बात युवा पे आ गई है, युवा पे नहीं है मैम, बट्टा बिठाना चाहते हैं देश का किसी भी किसी तरीके से, पहले इन्होंने टारगेट किया किसान को, अब कर रहे हैं युवाओं को, मुद्दा ये है जी, कभी धर्म के नाम पे इनको पता है, इनको एक चीज़ का पता है भी, देशवासी जो भारत के देशवासी हैं ये कभी नहीं लड़ेंगे, इनका एक ही सिस्टम है, ये धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, लॉजिक यही है। पॉलिसी आई मैम, गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि हम इनको ना 4 साल के बाद रोजगार देंगे, इनको इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार देंगे, अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि हम इनको अर्धसैनिक बल में लेके जाएंगे, मैम इनके पास स्किल है, बिजली घर इन्होंने प्राइवेट कर रखा है, सारा सिस्टम इन्होंने प्राइवेट कर रखा है, सारे सिस्टम हटा रहे हैं, इनके बच्चे आपके बाहर अदर कंट्री में